हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट के इस फन लर्निंग कोडिंग एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। इसका नाम है माइक्रोबिट और यहाँ हम खेलते खेलते सीखते हैं और कोडिंग करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक नए प्रोजेक्ट से और इस नए प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं जेएनवी शिमला। हम हिट करते हैं इस क्रिएट बटन को और यहाँ मेरा एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है और यहाँ मुझे एक कोडिंग एनवायरनमेंट मिलता है और साथ में एक आउटपुट एनवायरनमेंट भी मिलता है जो एक एलईडी फॉर्मेट में होता है जहाँ मेरा आउटपुट मुझे दिखेगा। फिलहाल यहाँ एक स्टार्ट ब्लॉक है और एक फॉरएवर ब्लॉक है। मैं फिलहाल स्टार्ट ब्लॉक को ड्रैग करके बिन में डाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। मुझे जो काम है वो फॉरएवर ब्लॉक के साथ करना है और मुझे एक छोटा सा मैसेज जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से, ऑडियो विजुअल तरीके से देना है कोडिंग करते हुए। तो ये देखते हैं, सबसे पहले मैंने इस मेन्यू को हिट किया, बेसिक्स को, और यहाँ से मैंने एक ब्लॉक लिया, इसका नाम है शो एलईडीज। यहाँ अपनी मर्जी से मैं कोई भी एलईडी का पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइक मैंने आई ड्रॉ कर दिया और इस पैटर्न को मैंने इस फॉरएवर ब्लॉक में डाल दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैंने एक आइकन लिया है, ये हार्ट शेप है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल शेप्स हैं, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने एक हार्ट शेप पैटर्न लिया है और इसे नेक्स्ट इसमें एम्बेड कर दिया है अपने फॉरएवर ब्लॉक में। मैं इसे कितना भी चाहूँ इसे डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसे डुप्लीकेट किया तो एक और ऐसा ही पैटर्न बन सकता है और इसके बाद फिर से डुप्लीकेट कर सकता हूँ तो एक और ऐसा पैटर्न बन सकता है, राइट? अगर मुझे इस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज भी करना है, लाइक एक श्रिंकिंग हार्ट बनाना है, तो मैं वो भी बना सकता हूँ, राइट? तो ये कुछ आइकन्स हैं जहाँ एक फुल हार्ट है, एक श्रिंकिंग हार्ट है और आप लेफ्ट साइड देख भी सक रहे हैं इनका इम्पैक्ट किस तरह का आ रहा है, राइट? और ये ऐसा लग रहा है कि एक हार्ट ब्लिंक कर रहा है और आई भी है, आई लव बना चुका हूँ मैं। इसके अलावा अब मुझे आइकन के अलावा अगर कुछ स्ट्रिंग ऐड करना है, लाइक मुझे जे एन वी शिमला लिखना है, तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, एक मैसेज है, टेक्स्ट है जो मुझे इस ब्लॉक में ऐड करना है, तो ये भी आउटपुट मेरा रिफ्लेक्ट होगा। यू कैन सी आई लव जे एन वी शिमला। ये उसी तरह से एलईडी प्रोग्राम हो रहे हैं जो हम अक्सर कई जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑडियो विजुअल इंट्रैक्शन हम देते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक का हमारे पास ऑप्शन है और मैं कुछ अपनी खुद की मेलोडीज टोन भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, कुछ ऑलरेडी गैलरी में कुछ टोन्स हों वो पिक कर सकता हूँ, या मेरे पास एक प्री डिफाइंड गिगल साउंड है उसे मैं यहाँ एम्बेड कर देता हूँ और इसे कितनी भी डुप्लीकेट जो है पैटर्न ब्लॉक्स बना के बार बार ये मैं ऐसे एम्बेड कर सकता हूँ और एक यहाँ भी, ताकि हर पैटर्न के बाद एक साउंड जो है वो आए। तो यहाँ ये एम्बेड हो गई और इनफैक्ट ये साउंड है जो आपको सुनाई दे रही है और इसके अलावा मैं एक और इमोजी भी यहाँ ऐड कर सकता हूँ। वो इमोजी जो है उसका पैटर्न एक स्माइली भी हो सकता है, लाइक यहाँ कुछ स्माइलीज भी हैं अगर आप उनको देख पाएं। ये एक फ्राउन फेस है और ये एक स्माइलिंग फेस है। मैंने एक स्माइलिंग फेस लिया और इसे मैं अपने इस कोड में एम्बेड करने वाला हूँ सबसे एंड में, आफ्टर अचीविंग दिस। और इस गिगल साउंड को भी मैंने रखा है। इस सारे पैटर्न में ये कंटिन्यूटी है तो यहाँ मुझे अच्छा रहेगा कि मैं एक पॉज जो है वो क्रिएट करूं। तो पॉज करने का तरीका है, मैं कुछ मिली सेकेंड का पॉज ले लेता हूं। नॉर्मल 100 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड का टेंथ पार्ट, मैं आधे सेकेंड का एक पॉज यहां एम्बेड करता हूं। तो ये आधे सेकेंड का पॉज है, मैं इसको डुप्लीकेट करके डिले बढ़ाता हूं इस सारे प्रोसेस में, ताकि कुछ टाइम तक ये एटलीस्ट रुके, कंटिन्यूटी इतनी फास्ट ना हो कि उसका पता भी ना लगे। ये एक पैटर्न मैं इस तरह का अडॉप्ट कर रहा हूँ।
तो इस तरह हमने कुछ साउंड्स, कुछ पॉज, कुछ स्माइलीज, कुछ मैसेजेस, कुछ एलईडी प्रोग्राम, एलईडी पैटर्न्स, वो इंक्लूड करके एक छोटा सा आउटपुट प्रोड्यूस किया है जो मैसेज दे रहा है कि आई लव जेएनयू शिमला। अब इसको एक बिग स्क्रीन पे इसका आउटपुट देखते हैं। ये पूरा जो कोडिंग है, आई लव, हार्ट इज ब्लिंकिंग, जे एन वी शिमला, एंड हेयर कम्स अ स्माइली एंड हेयर अटेम्प्ट्स। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इजी और फनी तरीके से ये कोडिंग हो पाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।